भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम 5 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के जो डीपीओ महोदय हैं भारत प्रसाद जी, जिनका एक लेटर हाल ही में बहनों के ग्रुपों में उनको भेजा गया है। इस आदेश को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे साहब को तो गर्मी लग ही नहीं रही, इस वजह से आंगनबाड़ी पर आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों की छुट्टी भी ये नहीं कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं ये इनकी तरफ से इस नौतपवा जो गर्मी पड़ रही है इसमें यहाँ पर ये राहत दी गई है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, और राहत को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा गया, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी, 24 मई का लेटर पत्रांक 254। कार्यालय के इस आदेश में उन्होंने लिखा कि प्री स्कूल के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को वर्तमान में बहुत गर्मी और लू के कारण आंगनबाड़ी केंद्र पर लाने एवं देर तक केंद्र पर बैठाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देखो इन्होंने कहा क्या कि जो है 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वर्तमान में बहुत गर्मी हो रही है, लू पड़ रही है, तो आंगनबाड़ी केंद्र पर लाने पर और देर तक उनको केंद्र पर बैठाने में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। ठीक समझ में आ रहा लिखा है, तथा अभिभावक भी गर्मी के कारण बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजने में रुचि नहीं ले रहे हैं। वर्तमान में भीषण गर्मी व लू के कारण आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चे गर्मी और लू से प्रभावित हो सकते हैं। ये तो बातें उन्होंने लिखी, इसको इतना सब कोई पढ़ेगा जिले में तो लगेगा कि हाँ महोदय जी को या साहब को पता है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लू लग जाएगी और इस भीषण गर्मी में इन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय के भी बच्चों से छोटे होते हैं और आंगनबाड़ी सेंटरों पर उससे लू गर्मी से बचाव का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। ये शब्द मेरे अकेले के नहीं है, ये शब्द उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के, मैं 2, 4, 10 जनपदों की बात नहीं कर रहा, अधिकतर आधे से ज्यादा जनपदों में लेटर निकाले जा चुके हैं। जिलाधिकारियों ने कह भी दिया कि उन बच्चों को गर्मी लू से बचाव के वहाँ साधन नहीं होते हैं और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी आंगनबाड़ी के बच्चे छोटे होते हैं, 3 से 6 साल की अवस्था के होते हैं, ऐसे में वहाँ पर उनको छुट्टियाँ दे दी गई। जैसे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की छुट्टियाँ 15 जून तक कर दी गई हैं, वैसे ही आंगनबाड़ी के बच्चों की भी छुट्टियाँ कर दी गई, लेकिन साहब भारत प्रसाद जी जो डीपीओ लखीमपुर खीरी हैं इनका आगे देखिए क्या कहना है इन मामलों में। लिखा, अतः आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चे लाभार्थी को भी ग्रीष्मकालीन सत्र में अत्यधिक गर्मी और लू से बचाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिनांक 24 मई से 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे किया जाता है। समझ लेना, यहाँ पर यह नहीं लिखा कि 24 मई से 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की भी छुट्टियां की जाती हैं या उनका भी अवकाश घोषित किया जाता है, ऐसे शब्द उन्होंने नहीं लिखे जो कि लिखने चाहिए थे। ऊपर से आप पढ़ेंगे तो लगेगा मानो जैसे आंगनबाड़ी के बच्चों को गर्मी लू से बचाने के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर विभाग दे रहा हो, और यहाँ पर यह चीज़ें सिर्फ अकेले डीपीओ भारत प्रसाद की नहीं है, उन्होंने इसमें यहाँ पर लिखा भी है ये चीज़ें किसके अनुमोदन में है, ये चीज़ें जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन में है। मैं इसको थोड़ा नीचे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आप ये भी समझ जाएं लेटर पढ़ने के चलते, लेटर इनका जरूर है भारत प्रसाद डीपीओ का, अपने विभाग के डीपीओ का अधिकारी का, लेकिन अनुमोदन किसका रहा, जिलाधिकारी का। तो जो छुट्टियां नहीं मिली हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को, मासूमों को, 7 से 10 बजे जो समय कर दिया गया है बजाय बहनों को वहां पर बच्चों की छुट्टियां करने के, तो आप देख रहे हैं ये जो भी है वो जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी का अपना है, या तो उन्होंने छुट्टियां की होंगी तो महोदय डीपीओ महोदय ने यहां पर लिखने में शायद इनसे मिसप्रिंट रहा हो, या फिर जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी अगर आवाज़ उन तक जा रही हो तो कृपया फिर से इस वीडियो पर संज्ञान लें और अन्य जनपदों में जो छुट्टियां की गई हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्मी लू से बचाने के लिए, तो उसी तरह आप भी अपने जिले में छुट्टियां कम से कम दे दें। 28 तारीख आज हो चुकी है, 25 से 2 जून तक सबको पता है, पूरे देश को पता चल गया
भीषण गर्मी है और जो है यहाँ पर टेम्परेचर कितना कितना जा रहा है हर एक ज़िले का, फिर भी नन्हे मुन्ने मासूमों को आंगनबाड़ी सेंटर बुलाया जा रहा है। क्या ये डिग्रियाँ वहाँ पर बैठ करके पढ़ेंगे, क्या करेंगे बच्चे? अरे जब स्वास्थ्य सही होगा तभी तो वहाँ पर चीज़ें होंगी। खाली मानसिक विकास के लिए बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, सर्वांगीण विकास के लिए आते हैं। तो अगर इस भीषण गर्मी और लू में बच्चों को लू लग गई, तबीयत बिगड़ गई, तो फिर यहाँ पर उनका शारीरिक विकास का पहलू कमजोर पड़ जाएगा। क्या इस ओर वहाँ के जिलाधिकारी महोदय और वहाँ के DPO महोदय संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं? तो ऐसे में बेहतर तालमेल बिठाएं DM और DPO और इस बारे में अच्छा सा लेटर जारी करें जो कि आंगनबाड़ी के बच्चों को वहाँ पर छुट्टी से संबंधित हो। तमाम जनपदों में DM ने DPO ने लेटर निकाल दिए, लेकिन यहाँ का मामला कुछ अजीब ही देखने को मिला। इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी में आप देख रहे 7 बजे से 10 बजे बस सेंटर का समय चेंज कर दिया, ना कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को राहत दी। लेकिन यहाँ पर इनके नीचे की लाइनों को मैं पढ़ूंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और अलग सा विरोधाभास नजर आएगा। जैसे लिखा गया परंतु, लिख दिया गया परंतु उक्त अवधि में सभी आंगनबाड़ी केंद्र, उक्त अवधि मतलब ऊपर जो दिया गया 7 बजे से 10 बजे, उक्त अवधि में सभी आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इनका हमें यही समझ में नहीं आ रहा, ये महोदय जी कहना क्या चाहते हैं? मेरे हिसाब से जो मेरी समझ बूझ कहती है वो ये कहती है कि DM ने वहाँ पर शायद छुट्टियाँ कर दी हों अन्य राज्यों की तुलना में, क्योंकि ऊपर के शब्द और ये सब चीज़ें जो लिखी गई जिस तरह से वो यही बात को दर्शाती हैं कि ये देखो 24 मई से 15 जून तक वो क्यों लिखते, ऐसे ही शब्द सब में लिखे गए और साथ ही साथ यहाँ पर ये परंतु शब्द क्यों यूज़ होता। और उसके बाद लिखा गया इस लाइन में कि परंतु उक्त अवधि में, यानी ऊपर दिए गए समय 7 बजे से 10 बजे, इसमें सभी आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व की भांति खुले रहेंगे। पूर्व की भांति मतलब क्या? उक्त अवधि कह रहे हैं 7 से 10 की, पूर्व की भांति खुले रहने की बात कर रहे हैं और आंगनबाड़ी के बच्चों का समय 7 बजे से 10 बजे वैसे भी कर रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां दी नहीं है तो बच्चे तो 7 बजे से 10 बजे वैसे भी बुला रहे हो आप, तो फिर उक्त अवधि में परंतु और पूर्व की भांति खुले रहेंगे, ये सब बातें क्या हैं? समझ में तब आता जब साफ शब्दों में लिखा होता कि 3 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी के बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं, बच्चों को केंद्र पर उपस्थिति उनकी नहीं की जाएगी, जैसे तमाम जनपदों में जिलाधिकारी और DPO ने लेटर साफ साफ सही सही निकाले। फिर लिखते परंतु, तो समझ में आता कि ये एक अलग और इसके बाद परंतु ये आया तो समझ में आता। और फिर लिखते कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र परंतु पूर्व की भांति यानी खुले रहेंगे और वहां पर देखो क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका द्वारा केंद्र की अन्य आवश्यक सुविधाएं जैसे गृह भ्रमण, सामुदायिक गतिविधियां, टीकाकरण, अनुपूरक, कुष्ठार का वितरण, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग, सभी शासकीय कार्य निष्पादन पूर्वत किए जाएंगे। तो नीचे की लाइनें देखकर लगता जैसे सभी जिलों में छुट्टी के आदेश आ रहे हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों के, उस आधार पर लाइनें लिखी गई हों। ऊपर का पढ़ो तो लगता है छुट्टी दे देंगे, उसके बारे में लिखा राहत देने वाले, बीच में पढ़ो तो समझ में आता है कि ये छुट्टियां भी नहीं दे रहे और ये खुद ही नहीं पता है ये क्या कह रहे हैं। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतने लेटर पढ़े हैं पिछले 5-6 सालों से जिसका कोई वो नहीं है, और मुझे ऐसा लेटर मिला जिसमें मुझे ही खुद विरोधाभास लग रहा कि वो कहना क्या चाहते हैं। और बहनों यहाँ पर अलग अलग तरीके से सारी बातें निकल के आ रही, तो मेरा यही कहना है अगर लखीमपुर खीरी में कोई जिले के हमारे यूनियन के भाई बहन अगर सक्रिय हों तो एक बार वो चाहें तो वहाँ पर एक ज्ञापन दे दें और छुट्टी की मांग कर लें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो कि क्या छुट्टियाँ दी जा चुकी हैं, क्या DM ने अपना छुट्टी का अनुमोदन पहले ही वो दे चुके हैं, तो क्या है मामला। यहाँ पर हमारी बहनें साफ शब्दों में देखो लिख रही हैं, अभी हम उनके बारे में भी बताएंगे आपको। दरअसल इसमें मैंने स्क्रीनशॉट वो नहीं लगाया, यहाँ पर लखीमपुर की बहनों ने, कई बहनों ने लिखा कि भैया देखो एक तो लेटर जारी किया है DPO ने 24 तारीख को, ठीक, और बहनों को आज 28 तारीख को ग्रुपों में पहुंचा है लेटर, 4-4 दिन बीत गए लेटर ही ग्रुपों में नहीं दिया गया, तो पिछले 4 दिन से सेंटर बराबर खुल रहे लेकिन छुट्टी के महोदय आदेश पहले ही दे चुके। DM महोदय ने पता नहीं कब अनुमोदन अपना दिया होगा, उनका ये अलग रहा, छुट्टी बच्चों की कर नहीं पाए, आंगनबाड़ी केंद्र संचालन का समय में बस परिवर्तन कर दिया, ये लिख दिया। और नीचे इस तरह से लिख रहे हैं कि मानो जैसे आंगनबाड़ी सेंटर पर बच्चों को बुलाना नहीं है, इस वजह से यहाँ पर लिखा गया कि आंगनबाड़ी केंद्र की जो अन्य आवश्यक सुविधाएं हैं उनको पूर्व की भांति सब किया जाएगा और पूर्व की भांति आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। ऐसे शब्द तो छुट्टी वाले लेटरों में निकाले गए हैं, समय परिवर्तन वाले लेटरों में ये बातें नहीं कही गई हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमारी खुद समझ में नहीं आई, या तो DPO महोदय ने सही लिखा नहीं है, कई चीज़ें यहाँ पर उन्होंने लाइनें मिस कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ रहा है। अगर अब क्या रहा वो तो वही जाने, लेकिन मैं कहना चाहूँगा
सुधार किया जाए, संशोधित करके आदेश जो है लखीमपुर खीरी में दिया जाए। जिलाधिकारी महोदय से भी जो है यहाँ पर प्रार्थना है कि वो भी सुने और बच्चों को राहत दी जाए। बहुत ज़्यादा जो है सबको पता है कि गर्मी पड़ रही है, धूप हो रही है, आंगनबाड़ी सेंटरों पर कोई भी इस लू और गर्मी से बचाव के संसाधन नहीं है, तो कृपया संज्ञान लें और जो है लेटर जारी करें, और लेटर कुछ ऐसा रहे जिसमें साफ साफ लिखा हो, समझ में आए, ऐसे लेटर नहीं जो ये लेटर मुझे देखने को मिला, इसमें ऊपर का कुछ और, बीच में कुछ और नीचे कुछ और कहना चाहते हैं, जैसा मानो कुछ समझ से ही चीज़ें परे हों। ठीक, अब आगे देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी हरदोई, यहाँ पर उन्होंने कहा कि 28 मई का इनका लेटर, मनोज कुमार जी का, ये हरदोई के DPO हैं, इन्होंने देखो छुट्टियां घोषित की हैं, ऐसे लेटर जारी किए जाते हैं और ऐसे इनकी तरह तमाम जनपदों के DPO ने लेटर निकाले और साफ साफ लिखा है, तो उन्होंने तो मुझे लगता है लखीमपुर में कहीं कहीं कुछ लाइनें मिस कर दी हैं, जिस वजह से उनका कोई तुक नहीं बनता और बीच की लाइन में ही गड़बड़ है। छुट्टी 15 जून तक करने का शायद बात बना हो, उसके अलावा फिर परंतु किंतु जो भी आर्डर चीज़ें नीचे बनती चली आ रही हैं वो लाइनें फिर ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी, जब 3 से 6 वर्ष के बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी तो उसके नीचे का पूरा सही समझ में आता है कि 7 से 10 बजे तक आंगनबाड़ी सेंटर बहने खोलें, अपना कार्य पूर्व की भांति करें, जो भी जरूरी काम है वो आवश्यक सेवाओं को दें। ऐसे मैंने हर एक जनपद के लेटरों में अच्छरसा चीज़ें पढ़ी हैं। लिखा गया है यहाँ पर DPO हरदोई के द्वारा कि आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है, जिन्हें प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र पर आना होता है। वर्तमान में भीषण गर्मी और लू चल रही है, जिसके कारण आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वर्तमान में 20 मई से 15 जून तक प्राथमिक विद्यालय में भी ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन में दिनांक 27 मई के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्र पर, देखो ऐसे लेटर लिखते हैं, DPO हरदोई ने लिखा कि जिलाधिकारी महोदय का अनुमोदन रहा, दिनांक भी डाल दी, 27 मई को उन्होंने लेटर भेजा है DPO हरदोई को, और 28 को देखो DPO हरदोई ने लेटर भी जारी कर दिया। चीजें ऐसे होती हैं जहां पर किसका अनुमोदन रहा, साथ में डेट भी लिख दो कब का क्या रहा। तो लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर 28 मई से, देखो 28 मई को ही लेटर DPO ने निकाला और 28 मई से ही DPO हरदोई ने लिखा भी है कि 28 मई से 15 जून तक अवकाश घोषित किया जाता है। देखो इन्होंने साफ लिख दी लाइन कि 15 जून तक अवकाश घोषित किया जाता है आंगनबाड़ी के 3 से 6 वर्ष के बच्चों का। फिर नीचे लिखा गया इस अवधि में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं होगी। कितना साफ साफ सब डिस्क्राइब किया, परंतु समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी कार्यकर्ती अपने, अब देखो यहां पर इनका ये जो परंतु शब्द है वो उसका अर्थ बनता है, ठीक, परंतु का, क्योंकि बच्चे नहीं बुलाने हैं, तो चीजें फिर आगे की बताई जा रही हैं। उनके वहां तो आंगनबाड़ी के बच्चों का समय कह रहे हैं 7 से 10 कर लो, और उसी समय के अनुसार उक्त यानी अवधि के दौरान जो है सेंटर पर जो है कार्यकर्ता काम करें वो काम करें, परंतु ऐसे शब्द ले दिए गए जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। लिखा गया है कार्यकर्ती और सहायिका केंद्र पर निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहते हुए पोषण ट्रैकर पर नियमित रूप से कार्य करेंगी। कार्यकर्ती मिनी सहायिका के द्वारा लाभार्थी को पोषण ट्रैकर ऐप पर सत्यापन, पोषाहार का वितरण, ऐसे सभी सामुदायिक गतिविधि, गृह भ्रमण, ये सब कार्य पूर्व की भांति सब करेंगी। ये देखो लेटर कितना साफ सटीक चीजें यहाँ पर दर्शाई गई। वहीं इसमें आपने देखा था नीचे की चीजें सब कुछ सही है, सब कुछ सटीक लिखा परंतु के बाद का, लेकिन इसके पहले बस ये यहां से इन्होंने मिस कर दिया 24 मई से 15 जून तक, और इसके बाद का मानो एक लाइन पूरा गायब हो गया। ठीक, आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे कर दिया, बस यही लाइन इनकी जो है राहत भरी नहीं है बच्चों के लिए लखीमपुर खीरी में या कार्यकर्ता बहनों के लिए स्वयं भी, तो इसको भाई संशोधित कर दो। और DM महोदय ने अगर छुट्टी नहीं की है तो जनपद के यूनियन DM महोदय को प्रार्थना पत्र लिखें और छुट्टी की मांग करें, और वैसे भी DM महोदय को भी सोचना चाहिए, अगर छुट्टी नहीं भी की है तो भी करनी चाहिए, अन्य जिलों के तरह जो है यहाँ पर भी गर्मी पड़ रही है तो राहत मिलनी चाहिए। और ऐसे और भी आइए जनपदों के आपको आलम आज इस वीडियो में दिखाते हैं जो हाल ही के हैं, बाकी कम से कम 25-30 तक तो हम पूर्व में दिखाई चुके हैं पिछले कई दिनों से। 20 तारीख 18 तारीख समथिंग से लेटर आ रहे हैं और आज 28 तारीख हो चुकी है, यानी आप मोटा मोटा अनुमान लगा लो पिछले 10 दिनों से छुट्टी के आदेश बराबर आ रहे हैं, तमाम जनपदों से दिखाए भी जा चुके हैं, अब आप समझ लीजिएगा। और अभी भी ये आलम है इस भीषण गर्मी में, नौतपवा में भी आप देख रहे हैं कि DPO एक हैं जो छुट्टी नहीं दे रहे हैं, जो समय में परिवर्तन करते नजर आ रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि आंगनबाड़ी के बच्चे सेंटर पर नहीं आ रहे हैं, उनके माता पिता भेजना नहीं चाह रहे हैं। अरे जब भेजना नहीं चाह रहे हैं और ये भी कहते हैं कि बच्चे बीमार हो जाएंगे
जब इतना ही केयर है, इतना सब कुछ समझ रहे हैं परिस्थितियों को, अरे तो छुट्टी कर दो। कोई आपका अकेला जनपद नहीं है जहां पर आप छुट्टी कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा वो हो जाएगा, कोई इशू हो जाएगा। अरे ये प्राथमिक विद्यालय से भी छोटे बच्चे हैं भाई, प्राथमिक विद्यालय में जब छुट्टियां चल रही हैं आपके वहां हर जगह पूरे प्रदेश में, तो क्या आंगनबाड़ी के उनसे भी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की नहीं हो सकती? क्या ऐसे हवाले नहीं दिए जा सकते? हर एक लेटर में तमाम जिलाधिकारियों ने अनुमोदन में ये बातें कहीं, डीपीओ ने कहीं, लेकिन यहां पर ये चीजें नहीं हो पाई। इधर चंद्रशंकर शुक्ला इटावा से, डीपीओ इटावा का भी देखिएगा, यहां पर एक ये लेटर जारी हुआ और इटावा में भी अजय कुमार जी डीपीओ हैं, इनका 25 मई का लेटर है, इन्होंने भी देखो सब बातें लिख दी हैं। इन्होंने भी कहा है कि जो है इटावा के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों का 24 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक, जो कि दिनांक भी डाल दी गई, 24 मई के द्वारा घोषित किया गया। सब बातें यहां पर साफ साफ सही से लिख दी गई। नीचे और देखो फिर लिखा गया कि उक्त घोषित अवकाश की अवधि में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका अपने केंद्र पर निर्धारित समय तक उपस्थित रह करके अन्य शासकीय कार्य सब करेंगी, जो भी है, गर्भ भ्रमण कैलेंडर के अनुसार सीबी मनाना, आयोजन टीकाकरण का करना, अनुपूरक पुष्टाहार वितरण बांटना, पोषण ट्रैकर के कार्य करना, विश्रंडी सत्र मनाना, सभी कार्य वो कार्यकर्ता अपने करती रहेंगी। इन लेटरों में तो समझ में आता है क्या चल रहा। ऊपर उन्होंने ये सब बातें भी लिखी कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे से भी छोटे होते हैं। वर्तमान समय में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की हीट वेव को दृष्टिगत रखते हुए जनपद इटावा में छुट्टियां की गई, समझ लेना इस बात को। लेकिन वहां पर छुट्टी नहीं कर पा रहे हैं साहब, क्योंकि साहब को लगता है आंगनबाड़ी केंद्र पर या तो फिर लखीमपुर खीरी में प्रदेश के सभी जनपदों से बेहतर सुविधाएं होंगी, शायद एसी लगी हो या शायद कूलर चल रहा हो, कुछ तो शायद संसाधन होंगे, या फिर कोई और तरह का हो, या फिर वहां साथ भर लखीमपुर खीरी में बर्फ पड़ रही हो, जिस वजह से आंगनबाड़ी के बच्चों को जो है लू और हीट वेव से कोई दिक्कत ही ना हो, इसलिए, या फिर 7 बजे से 10 बजे तक बर्फ पड़ती हो भाई लखीमपुर में। कुछ तो कारण रहा होगा कि वहां पर छुट्टियां अन्य जिलों के तरह करने की बजाय वहां पर सेंटर में समय में परिवर्तन की राहत दी गई है। भाई एसियां नहीं लगी हैं, हर कोई जानता है, कई बहनें जिनके पास छत नहीं है आंगनबाड़ी सेंटर के नाम पर, फिर भी सेंटर खोलने के लिए मजबूर हैं, तो समझ लेना इन चीज़ों को लेकर के, और साथ ही साथ भाई राहत दी जाए। बहुत बहनें परेशान हैं जिन्होंने भी लखीमपुर खीरी का लेटर देखा है, एक नहीं 200 बहनों के मैसेज मुझे आ चुके हैं दोपहर से, और ये अभी ग्रुपों में जब से गया है आज बहनों को विभाग की तरफ से, तब से खलबलियाँ मची हैं, क्योंकि हर जनपद का बहनें देख रही हैं कि छुट्टियाँ मिल रही बच्चों को बेचारे, लखीमपुर में नहीं मिल रही हैं, मिली क्या समय परिवर्तन, तो इस वजह से खलबली मची है जो लखीमपुर खीरी में। तो मेरी आग्रह समझो, प्रार्थना समझो या जो समझो, वो यही है कि संशोधित करके एक लेटर जारी किया जाए लखीमपुर खीरी में, और उसमें बच्चों को राहत मिले, अन्य जिलों के मुका जो है तर्ज पर छुट्टियां दी जाएं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। मैं कोई कार्यकर्ती बहनों के लिए या आंगनबाड़ी सेंटरों को पूर्णतया बंद करने की मांग नहीं कर रहा, मैं अन्य राज्य जिलों में जो जो चीज़ें हो रही हैं मैं उसी तर्ज पर बस राहत की बात कर रहा, वो भी किसके लिए, उन मासूमों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय से छोटे हैं, और उन प्राथमिक विद्यालयों वालों की छुट्टियां चल रही 15 जून तक, लेकिन आंगनबाड़ी के बच्चों को राहत नहीं मिल रही, जबकि तमाम जनपदों में प्रार्थना अनुमोदन के बाद चीजें की जा चुकी है, और फिर भी इतना टाइम बीतने के बाद भी आप देख रहे हैं कि यहां पर ऐसे ऐसे लेटर आ रहे हैं। अनिता जी संत कबीर नगर से, देखो उन्होंने अपने वहां से भी एक लेटर भेजा, जिला कार्यक्रम अधिकारी संत कबीर नगर ने भी आज 28 तारीख को, आप देख सकते हैं 28 तारीख को यह लेटर जारी किया है। सत्येंद्र जी हैं डीपीओ संत कबीर नगर के, इन्होंने भी देखो चीजें लिखी हैं और सही लिखी हैं, आइए पढ़ करके सुनाते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त प्राथमिक विद्यालय मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय, इनमें वर्तमान में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दृष्टिगत 20 मई से प्रारंभ होकर के 15 जून तक अवकाश घोषित किया जा चुका है। चूंकि जनपद संत कबीर नगर के अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय स्कूलों के परिसर में ही संचालित हैं, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को शालापूर्व शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागीय सेवाएं दी जाती है। यहाँ पर एक चीजें इन्होंने गलत लिखी है, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को शालापूर्व शिक्षा, नहीं गलत है, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को शालापूर्व शिक्षा नहीं, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शालापूर्व शिक्षा दी जाती है। हाँ, 0 से 5 वर्ष के बच्चे, 0 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी के बच्चे समझ लो, या 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे सर्वे के आधार के बच्चे समझ लो, ये चीजें शब्द लिखना उचित था, खैर ये इतना बड़ा इशू नहीं है। लिखा है अन्य शासकीय विभागीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वर्तमान में तेज धूप और गर्मी लू का अत्यधिक प्रकोप होने के कारण जिलाधिकारी महोदय संत कबीर नगर की अनुमति और अनुमोदन में 28 मई, देखो उन्होंने चलो लिख दिया है, आज ही
जो है जिलाधिकारी जो हैं संत कवि नगर के 28 तारीख को ही उनका लेटर गया है, डीपीओ महोदय को अनुमोदन किया गया छुट्टी के संबंध में, इसलिए आपके आज ही संत कवि नगर के डीपीओ महोदय ने सत्येंद्र जी ने लेटर निकाल दिया। और अच्छी बात है कि एक ही दिन में तुरंत उन्होंने लेटर निकाला और लिखा है कि इस अनुपालन में दिनांक 29 मई से 15 जून तक। बहुत अच्छी बात उन्होंने और लिखी कि आज तो 28 तारीख का समय गया ही, लेटर ही निकल रहे, ये सब हो रहा, आज ही अनुमोदन मिला, तो आज छुट्टी का कोई औचित्य बनता नहीं था, सेंटर खुलने होने थे तो वो सब खुल चुके होंगे। तो उन्होंने 29 तारीख लिख दी कल की, बहुत अच्छा किया। जबकि एक जिले की एक डीएम थी जो शायद लेडीज थी और उन जो है महोदय का एक लेटर मैंने देखा 24 को लेटर जारी कर रही हैं और 20 तारीख से छुट्टियां बांट रही हैं, 4 दिन भूतकाल में जाकर के छुट्टियां बांट रही हैं। अरे 24 को लेटर निकाला, 24 को अनुमोदन दिया, तो छुट्टियों के बारे में आप दिनांक का 24 में मेंशन कीजिए, 20 में करने की क्या जरूरत है? जो समय बीत गया सो बीत गया, जो अब है वहीं से आप लिखो। इन्होंने देखो सब चीज़ें सही सही लिखी हैं और अनुमोदन में भी डेट भी सही डाली। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों का अवकाश घोषित किया जाता है, उक्त अवकाश अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी सहायिका इनके द्वारा लाभार्थी को ड्राई राशन यानी टेक होम राशन का वितरण, वजन भ्रमण, ये सभी कार्य जो मैंने 200 बार बताए आप सबको पिछले 10 दिनों में, वो सब बहनों के द्वारा किया जाएंगे। तो डीपीओ देखो संत कबीर नगर में भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों की छुट्टियां 15 जून तक के लिए कर दी हैं, आंगनबाड़ी के बच्चों को वहां पर नहीं आना है, उनका अवकाश घोषित कर दिया, साफ शब्दों में उन्होंने लिखा। रेनु बरनवाल बहन सुल्तानपुर से हैं, बात करें अगर हम डीपीओ सुल्तानपुर की तो 28 तारीख का सुल्तानपुर के डीपीओ का भी एक ये लेटर आया है, आइए इनका भी दिखाते हैं। इन्होंने लिखा कि वर्तमान में जनपद के समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद हैं, अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन प्राथमिक विद्यालय में है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केंद्रों पर आने वाले यानी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे से भी छोटे होते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र में तेज धूप, प्रचंड गर्मी और लू के प्रकोप से आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बचाव के लिए जिलाधिकारी सुल्तानपुर महोदय के अनुमोदन में 26 मई के क्रम में जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन 15 जून तक बंद किया जाता है। साफ शब्दों में सुल्तानपुर के डीपीओ महोदय ने भी देखो लिख दिया है, कोई विरोधाभास, कोई ऐसी शंका समाधान किसी को भी लेटर पढ़ने में नहीं आएगी, क्योंकि अक्षरशा चीज़ें सही सही लिखी गई जो समय के हिसाब से हैं और राहत भरी हैं। उधर तो कुछ राहत मिल ही नहीं रही और समस्याएं तो सब गिना दी गई, ठीक, लेकिन राहत के नाम पर 7 बजे से 10 बजे बस कर दिया गया, ये कोई राहत नहीं है, क्योंकि 10 बजते भी प्रचंड गर्मी होती है। 10 तो बहुत दूर की बात, मैं 8 बजे 9 बजे की बात करूं, गर्मी रिकॉर्ड तोड़ पड़ती है, जैसे दोपहर में पड़े वैसे 8 बजे से शुरू, कई बार तो देखो सुबह सुबह ही गर्मी प्रचंड रूप में, तो भाई छुट्टी कर दो 3 से 6 वर्ष की, और उसको छोड़ो, सब चीज़ों को छोड़ो, जब प्राथमिक विद्यालय में छुट्टियां हो सकती हैं 15 जून तक गर्मी के कारण, गर्मी से बचाव के लिए, लू से बचाव के लिए, तो इन बच्चों की क्यों नहीं हो सकती, हो सकती हैं, जिले के जो डीएम है वो लोग कर रहे हैं, तो होनी चाहिए हर जगह, जैसे देखो यहाँ पर कर दी गई। बाकी बहनें केंद्र बंद होने की दशा में THR वेसंडी ये सभी कार्य अपना नियमित रूप से पूर्व की भांति ही करेंगी, ये सब बातें देखो नीचे सब लिख दी गई। इसी तरह से बातें नीचे की जो थी वो उन्होंने भी लिखी थी लखीमपुर खीरी में, लेकिन बीच का उन्होंने बस सेंटर में समय परिवर्तन जोड़ दिया। अब या तो अनुमोदन रहा होगा डीएम का, इसीलिए डीपीओ ने किया, तो गलती इसमें खाली डीपीओ की नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि डीएम ने छुट्टी की हो और डीपीओ महोदय ने उसमें समय परिवर्तन जल्दबाजी में किसी भी तरह से या गलतीवश हो गया हो, तो वो फिर कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो फिर भी जैसा भी हो, अगर नहीं भी अनुमोदन हुआ हो, छुट्टी नहीं भी हुई हो, तब भी उन चीज़ों पर मिट्टी डालो, पूर्व की लेटरों पर, सब चीज़ों पर नया लेटर जारी करो संशोधित करके और छुट्टी दो। रूपा जी गाजियाबाद से हैं, उन्होंने जो है डीपीओ गाजियाबाद का एक लेटर भेजा है। डीपीओ गाजियाबाद ने देखिए अपने यहाँ पर छुट्टियाँ जारी कर दी हैं 28 तारीख को, आज ही लिखा है, अत्यधिक गर्मी लू के प्रकोप के दृष्टिगत 27 मई से दिनांक 15 जून तक आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों का जिलाधिकारी गाजियाबाद के अनुमोदन में 28 मई के द्वारा अवकाश घोषित किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र पर निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे, THR और सभी कार्यकर्ती बहनें अपना पूर्व की भांति करेंगी। तो देखो इसमें लिख दिया गया साफ शब्दों में कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों का जिलाधिकारी गाजियाबाद के अनुमोदन में 28 मई के द्वारा अवकाश घोषित कर दिया गया है, तो अब अवकाश आपके वहाँ पर भी हो गया, तो अब जो है बाकी नया लेटर आएगा जब भी चीज़ें जो बहाल की जाएंगी। साथ ही ये आरती सैनी सहारनपुर से हैं, बात करें सहारनपुर की, डीपीओ जो है सहारनपुर, उनका भी 28 तारीख का देखिएगा ये लेटर है, नीचे यहाँ पर लिखा गया पत्रांक 146 है, डीपीओ का सहारनपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी सहारनपुर, देखिए आदेश में क्या लिखा गया,
कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालय मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालय ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक रहेगा। अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन प्राथमिक विद्यालय में हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर की अनुमति अनुमोदन में 27 मई के क्रम में ग्रीष्मकालीन सत्र में तेज धूप और गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जनपद में संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 28 मई से 15 जून तक लाभार्थी बच्चों का अवकाश घोषित किया जाता है। देखो साफ शब्दों में लिखा गया कि 28 मई से 15 जून तक लाभार्थी बच्चों का अवकाश घोषित जो है किया गया है। समझ लेना, 3 से 6 वर्ष को बच्चों की छुट्टियों के बारे में साफ लाइन लिखी गई। उक्त अवकाश अवधि में आंगनबाड़ी केंद्र लेकिन खुले रहेंगे। कार्यकर्ती मिनी सहायिका अपना जो भी कार्य है वो सब करेंगी, जैसे कि मैंने 200 बार इन कार्यों को बताया भी है, वही सब कार्य जो सब बहनों ने बहुत बार सुनी है ऑल इंडिया के मुंह से, तो वो सब चीजें हैं। तो ऐसे देखो सब जगह छुट्टी मिली। इधर हरी रमन है संभल से, इनके वहां पर भी लेटर आया जिला विद्यालय निरीक्षक का, संभल से 27 मई का उन्होंने भेजा है। और इसमें क्या लिखा गया जरा सुनिए, ये विद्यालय वालों के लिए है। वेदराम जिला विद्यालय निरीक्षक है उनका, जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में वर्तमान में अत्यधिक गर्मी के दृष्टिगत जनपद संभल में संचालित समस्त बोर्ड के राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन, ऐसे सभी यहां पर लिखे गए हैं, समाज कल्याण विभाग भी इसमें जोड़ दिया गया, मदरसा बोर्ड कक्षा 1-2 ये सब 30 मई तक पूर्ण रूप से वो बंद रहेंगे, लिख दिया गया किसी भी दशा में विद्यालय नहीं खुलेंगे। ये उनके लिए होंगे जो शायद बड़े बच्चे हों, उनके लिए भी बातें लिख दी गई हों। तो ये फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के स्पेशल लेटर ये नहीं है। साथ ही बबली राजा हैं ललितपुर से, उन्होंने ललितपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश की मांग को लेकर के डीएम को ज्ञापन वहां पर देखो दिया है। बहने जिले में ज्ञापने दे रही हैं, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से दरअसल जिला ललितपुर में ये ज्ञापन दिया गया है। कल भी मैंने शायद इस चीज़ को लेकर के बात आप लोगों को बताई थी। तो देखो जल्दी शायद वहाँ भी छुट्टियाँ हों। आगे यहाँ पर अगले वीडियो में आप सबको अन्य जानकारियों की तरफ हम ले चलेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के।